हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और हम भी अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जो संविधान की सीरीज चल रही है, ठीक है, उस क्रम में आज हम आपके लिए संविधान की प्रस्तावना चैप्टर लेके आए हैं और इसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की प्रस्तावना क्या है इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कब संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए थे, कब प्रस्तावना हमारी किसने उद्देश्य दिए थे, ठीक है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज करने वाले हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं नहीं जाएगा आज, पूरी वीडियो को कंप्लीट हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा जैसे समझने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, उसको कंटिन्यू आप नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, समझ रहे हो? फिर ये हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, क्या है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जैसा कि हमारा ये संविधान संविधान के स्रोत से एक वीडियो आया था, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? अमेरिका से। जबकि प्रस्तावना की भाषा जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहां से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये प्रस्तावना जो है हमारी, ठीक है, एक संविधान सभा में तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, वो हमारी हुई थी 13 दिसंबर 1946। पूरी संविधान सभा का वीडियो हमने अपलोड किया है, आप जरूर देखिएगा उसको। ठीक है दोस्तों, उसमें सभी को समझाने का प्रयास किया गया उस संविधान सभा वाली वीडियो में। ठीक है, तो तीसरी बैठक होती 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है और वह उद्देश्य जो होती है वो हमारी प्रस्तावना का, वे उद्देश्य जो होते हैं हमारे प्रस्तावना के रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना किससे, किसके नाम से जानते हैं? उद्देशिका के नाम से जानते हैं, उद्देशिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, फिर हमारी जो प्रस्तावना होती है, ठीक है, क्या होती है दोस्तों? प्रस्तावना, वो हम भारत के लोग, ठीक है, शब्द से स्टार्ट, मतलब वाक्य से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस क्रम में पूरी हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, तो उसके बारे में आज कुछ हम पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, तो पहली बात तो संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी या आत्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि संविधान को किसको संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में उद्देश्य का हो तो आप उद्देश्य का लगाएं और प्रस्तावना हो तो आप प्रस्तावना लगाएं। क्लियर हो गया दोस्तों? पर यह संविधान की आत्मा के नाम से किसको जाना था भाई? उद्देश्य का हो तो उद्देश्य का लगाएं और प्रस्तावना हो तो प्रस्तावना लगाएं। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों? ठीक, अब हमारा जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक, संविधान में जितनी भी शक्तियां हैं, ठीक है, उनका केंद्र बिंदु भारत की जनता को माना है। ठीक है, किसको माना है? भारत की जनता को। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों? तो जितनी भी शक्तियां हैं हमारी, ठीक है, का केंद्र बिंदु, शक्तियां का केंद्र बिंदु किसको माना है या स्रोत, ठीक है, किसको माना है दोस्तों? भारत के लोग, भारत के लोग अर्थात भारत की आम जनता। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों? तो शक्तियां किसको माना है, केंद्र बिंदु किसको माना है? भारत के लोगों को। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक बेरुवाड़ी बाद में, ठीक है, बेरुवाड़ी बाद में पहले हमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। ठीक है, तो जब संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, ठीक है, तो इसमें विधायिका संशोधन नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में केशवानंद भारती, केशवा नंद भारती बनाम केरलवाद ने 1973 ईस्वी को, ठीक है,
प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया था। जब अंग मान लिया था तो इसमें विधायिका जो थी वो हमारी संशोधन कर सकती थी, संशोधन कर सकती थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब संशोधन कर सकती थी। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था एक, कौन सा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द क्या था, राष्ट्र की अखंडता। कौन सा दोस्तों, राष्ट्र की अखंडता, अखंडता। तो क्लियर हो गया वो दोस्तों, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है दोस्तों। अब जब संविधान में संशोधन होने लगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है कि आप संविधान के में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन आप इसके मूल ढांचे को, मूल ढांचे आप संशोधन नहीं कर सकते। हाँ, वैसा संशोधन कर सकते हो कि इसके मूल ढांचे का विस्तार हो, ठीक है। क्या हो दोस्तों, इसके मूल ढांचे का क्या हो, विस्तार हो और इसका मजबूतीकरण हो, मजबूतीकरण हो। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे इस प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, पांच प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, पांच प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है हमारी धर्म की स्वतंत्रता, तीसरी है विचार की स्वतंत्रता, किसकी दोस्तों, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, चौथी है विश्वास की स्वतंत्रता और पांचवी क्या है, उपासना की स्वतंत्रता। अब ये पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं हुई कहा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई। तो वो न्याय कौन कौन सा दोस्तों, पहला न्याय राजनैतिक स्तर पर न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा सामाजिक, सामाजिक स्तर पर न्याय। तो तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई दोस्तों। इसमें दो प्रकार की, तो तीन प्रकार के न्याय समझ में आया, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की समानता दी गई है, ठीक है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की समानता का भी उल्लेख मिलता है। तो पहली प्रतिष्ठा की और दूसरी अवसर की, अवसर की। तो क्लियर हो गया दोस्तों, तो पांच प्रकार की स्वतंत्रता हो गई हमारी, तीन प्रकार के न्याय हो गए और दो प्रकार के समानता हो गई। दो प्रकार के कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का, ठीक है। आपने नोट भी कर लिया होगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, अब जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि विश्व स्तर पर संविधान है, ठीक है। विश्व स्तर पर भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, ठीक है। तो अब संविधान हमारे दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित, ठीक है। तो लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान हुआ, ठीक है, अमेरिका का संविधान, इन जैसे देशों का संविधान लिखित संविधान है, जबकि अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन,
ब्रिटेन का संविधान और लिखित संविधान है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो संविधान की लिखित संविधान की अवधारणा जो है, ठीक है, वो हमारी फ्रांस से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? फ्रांस से ली गई है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है इसको, ठीक है। अब हमारे भारत में संविधान क्या है? सर्वोच्च है, ठीक है। संविधान सबसे ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। और ये संविधान की सर्वोच्चता भी हमने संविधान के स्रोत वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई दोस्तों? अमेरिका से ली गई। तो संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई। कहां से? अमेरिका से। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं। अब भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसमें कहीं संघीय शासन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किसका नहीं किया गया है? संघीय शासन। संघीय शासन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें भारत के संविधान में भारत को, ठीक है, राज्यों का एक संघ बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों? भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है, जैसा कि आर्टिकल हमें एक में देखने को मिलता है, अनुसूची एक में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें अनुसूची एक में भी उल्लेख है और आर्टिकल एक में भी बताया गया कि भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। तो क्लियर हो गया वो दोस्तों, ठीक है। आने वाले वीडियो इसी क्रम में आते रहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के, ठीक है। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल के वीडियोज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो उसमें उस वीडियो को आप एक से दो बार देखिए, आपको जितने भी सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है, आपको चुटकियों में याद होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारा काम है आपको याद करवाना और चीजें हमें अच्छे से पकड़ में आ जाएंगी और लंबे समय तक हमें चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो दोस्तों, ठीक है। तो कुछ कोटेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। उन कोटेशन को हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति थे एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, पालकी वाला। तो ये एन ए पालकी वाला ने, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। क्या बताया दोस्तों? परिचय पत्र। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने बताया? परिचय पत्र। तो इसमें एक ऑप्शन होगा एन ए पालकी वाला, उस पर आप उसको आप लगा के आएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक व्यक्ति थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नोट कीजिएगा आप इसको, ठीक है। अल्लादी, मैं इसमें यहां पे लिख देता हूं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया। क्या बताया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस प्रकार जहां तक सभी टॉपिक जहां से प्रश्न बन सकता था, ठीक है, वहां तक हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चाहते हैं आप तो कि आपके दोस्त पढ़ पाए, ठीक है, इस पूरी सीरीज को, तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।